हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फाइलम इकानोडर्मेटा, जिसमें सबसे पहले है जी रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स। फाइलम इकानोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम क्लेड के पहले मेंबर्स हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स बेसिकली सीलोमेट्स हैं और इनमें एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स कॉमन हैं, जैसे रेडियल सिमेट्री, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और ब्लास्टोपोर जो है ये डिवेलप होता है इनटू एनस। इकानोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो है ये ड्यूटेरोस्टोम लीनिएज जो है उसके मेंबर्स हैं। इकानोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स को ड्यूटेरोस्टोम क्लेड एम्बुलेक्रेरिया में इंक्लूड किया गया है। हॉक्स जीन, राइबोसोमल आरएनए जीन्स और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडीज जो हैं, इनकी बेस पे इन दोनों एनिमल फाइला की कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा। लिविंग इकानोडर्म्स की अप्रॉक्सीमेटली 7,000 स्पीशीज जो हैं ये मेरीन हैं और ये ओशंस की तमाम डेप्थ्स पे पाई जाती हैं। एडल्ट्स जो हैं इनमें पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वी जो हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। इकानोडर्म्स में कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है, जो कि ऑसिकल से मिलकर बनता है। ऑसिकल्स बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स हैं, जो कि एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज होती हैं और ये मीजोडर्मल टिश्यू से डिराइव होती हैं। इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें केनाल्स होती हैं, वाटर फिल्ड केनाल्स होती हैं, जो कि लोकोमोशन, अटैचमेंट और फीडिंग में यूज होती हैं। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, द एक्ट मे बी सेकेंडरली रिड्यूस्ड, और नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व नेट, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स की फॉर्म में होता है। नर्व रिंग जो है ये ओरल एबोरल एक्सिस के करीब प्रेजेंट होती है, जबकि रेडियल नर्व्स जो है ये इनकी आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार की आर्म्स जो है इनके अंदर रेडियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा। फाइलम इकानोडर्मेटा के मेंबर्स जो हैं, दीज आर ट्रिपलोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स, और इनके एडल्ट्स जो हैं इनमें पेंटारेडियल सिमेट्री होती है। इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और एंडोस्केलेटन जो है वो एपिथेलियम से कवर्ड होता है। मीजोडर्मली डिराइव्ड होती हैं ऑसिकल्स, लेकिन जो है इनको कवर कर रही होती है एपिथेलियम। इनमें पेडिसलेरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पेडिसलेरिया जो है दीज आर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि डिफेंसिव ऑर्गन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। फाइलम इकानोडर्मेटा की 5 क्लासेस हैं, जिनमें सबसे पहले है क्लास क्राइनोइडिया। इसमें फ्री लिविंग और जो है कुछ मेंबर्स जो हैं वो आइबोरल साइड पे जो ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं उनकी हेल्प से अटैच भी होते हैं सबस्ट्रेट्स पे। ठीक है, इनमें हमारे पास सी लिलीज और फेदर स्टार्स की एग्जांपल है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 630 लिविंग स्पीशीज हैं। क्लास एस्टेरॉइडिया जो है इनमें रेज या आर्म्स जो हैं वो सेंट्रल डिस्क शार्पली सेपरेटेड नहीं होती, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जो एम्बुलेट्रल ग्रूव्स होती हैं इनमें ट्यूब फीट भी प्रेजेंट होते हैं, और ट्यूब फीट जो है उनके ऊपर सक्शन डिस्क भी प्रेजेंट होती हैं। क्लास एस्टेरॉइडिया के मेंबर्स में पेडिसिलेरिया जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमारे पास सी स्टार्स की एग्जाम्पल आती है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है 1500 स्पीशीज हैं। क्लास ऑफ इरोइडिया के मेंबर्स जो है इनकी आर्म्स सेंट्रल डिस्क से सेपरेटेड होती हैं, शार्पली सेपरेटेड होती हैं, और जो ट्यूब फीट हैं इनमें सक्शन डिस्क प्रेजेंट नहीं होती। इसमें हमारे पास ब्रिसल स्टार्स की एग्जांपल है, और इनमें मोर देन 2000 स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। क्लास एकिनोइडिया जो है ये ग्लोब्यूलर या डिस्क शेप्ड होते हैं, और इनमें रेज या आर्म्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इनमें मूवेबल स्पाइंस होती हैं, इनके स्केलेटन को हम टेस्ट कहते हैं, और ये क्लोजली फिटिंग प्लेट्स से मिलकर बनता है। इसमें हमारे पास सी अर्चिन्स और सैंड डॉलर्स हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्पीशीज हैं। क्लास होलोथुराइडिया जो है इनमें भी रेज या आर्म्स प्रेजेंट नहीं होते, और ये ओरल एपोरल एक्सिस के अलोंग इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, और बॉडी वॉल इनकी मस्कुलर होती है, जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें सर्कम ओरल टेंटिकल्स होते हैं, मतलब टेंटिकल्स जो है क्लस्टर की फॉर्म में सिर्फ ओरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनमें हमारे पास सी ककम्बर्स की एग्जाम्पल आती है, और इनमें अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पीशीज होती हैं। इकानोडर्म्स का स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स से मिलकर बनता है, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। ये प्लेट्स जो है ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती हैं, और जो है दीज आर कवर्ड बाय एन एपिडर्मल लेयर, और इनको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रोल प्ले करता है। अब अगर एपिडर्मल लेयर जो है उसमें कोई जो है वो एब्रेशन हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर उन जगहों पे, उन बॉडी रीजन्स में जो है ऑसिकल्स या ये स्केलेटन जो है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, और स्केलेटन जो है ये इसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं, कुछ जो है वो फिक्स्ड होती हैं और कुछ जो है वो आर्टिकुलेटेड स्पाइंस होती हैं। बॉडी सर्फेस के ऊपर ये प्रोजेक्टेड होती हैं, और जो फिक्स्ड स्पाइंस होती हैं वो मूव नहीं करती, जबकि आर्टिकुलेटेड स्पाइंस जो है ये आर्टिकुलेट करती हैं, मूव करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट में हेल्प आउट होती है।
इकाइनोडर्म्स का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें कुछ वाटर फिल्ड कैनाल्स होती हैं और उनकी एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें हम ट्यूब फीट कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकली जो है ये जो सिलोम है उससे डिराइव हुआ है, और इंटरनली इसकी इंटरनल साइड पे जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में बेसिकली एक रिंग कैनाल होती है जो कि माउथ को सराउंड कर रही होती है, और ये आउटसाइड ओपन होती है थ्रू अ कैविटी, ठीक है, और उस ओपनिंग को हम जो है वो मेट्रिपोराइट कहते हैं। सी स्टार्स के अंदर ये जो है मेट्रिपोराइट सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि दूसरे इकानोडर्म्स में ये एक सिंपल ओपनिंग होती है। मेट्रिपोराइट जो है ये वाटर इनलेट के तौर पे एक्ट करती है, मतलब वाटर जो है इसके थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। इसकी वजह से जो है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम और आउटसाइड इन्वायरमेंट है इसके अंदर जो वाटर प्रेशर डिफरेंसेस हैं वो बैलेंस करने में जो है ये मेट्रिपोराइट रोल प्ले करती है। रिंग कैनाल के साथ जो है टाइडमैन बॉडीज एसोसिएटेड होती हैं, ये बेसिकली स्वेलिंग्स होती हैं, और यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स की प्रोडक्शन होती है जिन्हें हम सिलोमोसाइट्स भी कहते हैं। रिंग कैनाल के साथ जो है पोलियन वेसिकल्स भी एसोसिएटेड होती हैं जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के लिए जो फ्लूड स्टोरेज है उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो रिंग कैनाल है जो माउथ के एरिया में प्रेजेंट है उससे कुछ रेडियल कैनाल्स जो है वो रेडिएट करती हैं, 5 रेडियल कैनाल्स या मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। और ये जो इकानोडर्म्स फॉर एग्जाम्पल स्टार शेप्ड जो इकानोडर्म्स होते हैं इनकी आर्म्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। दूसरे इकानोडर्म्स जो हैं उनमें ये बॉडी वॉल के साथ एसोसिएटेड होती हैं और ओरल से एपोरल पोल की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इकानोडर्म्स जो है ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मीन्स मेल्स और फीमेल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और ये एक्सोस्पर्म्स जो है उनको वाटर में रिलीज कर देते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। कुछ स्पीशीज जो हैं इनमें लार्वे जो है ये सेक्सुअली डिवाइड करते हैं अंटिल दे रीच मेच्योरिटी, सेक्सुअल मेच्योरिटी, और कुछ जो हैं इकानोडर्म्स वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जो है लॉस्ट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको रीजनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्पीशीज जो हैं सी स्टार्स की उनमें अगर सिंगल आर्म जो है उसके साथ सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन प्रेजेंट हो तो एक आर्म से एक सी स्टार जो है वो रीजनरेट कर जाती है, और रीजनरेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है और कंप्लीट रीजनरेशन जो है ये तकरीबन एक साल तक होती है। इकानोडर्म्स में सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसमें माउथ के लिए एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है जिससे 5 रेडियल नर्व्स जो हैं वो रेडिएट करती हैं, और ये आर्म्स में प्रेजेंट होती हैं, इनमें ब्रेन या फिर गैंग्लिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें पोडोसाइट्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि बॉडीली फ्लूइड्स जो हैं उनकी फिल्ट्रेशन होती है, और इकानोडर्म्स की बॉडी जो है इसके सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं। पोडोसाइट्स जो हैं ये इंटरनल कैनाल्स के थ्रू जो है मेट्रोपोराइट के साथ लिंक्ड होते हैं।